कि उन्नाव मां एक गरीब के बेटी, हम तो कल गा रहे प्रियंका गांधी के साथ, ओके घर देखे, अंदर से देखे जाए थे, ठीक से ओके घर में बैठो को जगह है। कुछ बड़े लोग अब सत्तारूढ़ दल मां सरकार के, जो ने सरकार के पार्टी के सरकार चलती है ओके प्रधान जी है, तो उस लड़की के साथ बलात्कार एक बार नहीं 6 महीने से लगातार होगा। उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, गई रिपोर्ट लिखाने, बिहार थाना है, उन्नाव में मना कर दिया गया। पर मैं उस लड़की की हिम्मत की दाद देता हूं कि अदालत गई, वहां से मुकदमा कायम कराया, मुकदमा चल रहा था, और आप देखिए वो अपने पैरवी के लिए तारीख में जा रही थी। वार ऐसी सरकार को धिक्कार, ऐसी सरकार को नहीं बना रहना चाहिए। वो अपने मुकदमे की पैरवी में जा रही थी, उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। रेलवे स्टेशन उसके गांव के बीच की दूरी कल मैं देख के आया हूं 1.5 किलोमीटर है, और 1.5 किलोमीटर के बीच में यही चारों लोग कहें गवाही मत दो। उसने कहा मैं दूंगी गवाही, गरीब की बेटी थी, तब भी उसने कहा ललकार के हम गवाही देंगे, और नतीजा हुआ उसमें पेट्रोल छलक पर उस पर आग लगा दी गई। धिक्कार ऐसी सरकार पर, धिक्कार ऐसे लोगों पर। तो कल जब प्रियंका जी वहां पहुंची, मोना जी पहुंची, हम लोग पहुंचे, तब जाके वहां पर इंतजाम हुआ। 4 दिन बच्ची लड़ती रही मौत से, हार गई। इसीलिए आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं माला पहनूं, क्योंकि जिस समय मैं आपसे बोल रहा हूं कल वहां जाना पड़ा, इस समय उसका अंतिम संस्कार हो रहा हूं। मेरे सामने उसका घर नाच रहा है, उसके माँ बाप नाच रहे, उसका भाई नाच रहा है। तो मेरा फर्ज था मैं आपके बीच में आऊं, लेकिन माला पहनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं जिनको माला पहनाना था, ऊपर वाला चाहेगा तो माला पहनाने के रोज अवसर आएंगे, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा दुख कभी अवसर आए। इसलिए कि वो गरीब की बेटी थी, इसलिए उसके साथ जाती हुई। अगर मेरे क्षेत्र में हुआ होता ये वाकया, तो मैंने करके दिखाया है कभी जब हुआ। खड़ा होना पड़ेगा, भगवान भी परवरदिगार भी उसको माफ नहीं करते जहां पे गरीब पर जुल्म होता है, और ये जुल्म हो रहा है। तो आप देखिए जुल्म करने वाले आज चाहे जितने ताकतवर हों, एक दिन जमीन पे पड़े होंगे, और गरीब फिर जीतेगा, गरीब की बेटी।